स्कूल के अंदर आईडीएफ हमास का आमना सामना हुआ है। चौंका देने वाली तस्वीर युद्ध की, अंधाधुन फायरिंग करती दिखी इजरायली फोर्स। एक स्कूल के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। स्कूल में हमास के ठिकानों पर अटैक किया, बाद में आईडीएफ ने पूरे स्कूल को ही उड़ा दिया। गाजा के शुजाया से सनसनीखेज वीडियो सामने आया। अब देखते हैं एक साथ दो वीडियोस कि कैसे पहले इजरायली फोर्स ने स्कूल में बने हमास के ठिकाने पर हमला बोला और फिर इसी दौरान कैसे पूरे स्कूल को ही धराशायी कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए। और आइए अब समझते हैं कि आखिर इजरायली फोर्स गाजा में बार बार अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों टारगेट कर रही है, इसको भी समझना जरूरी है। तो गाजा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ठिकाने अपने बना रखे हैं। हमास ने ऐसा दुश्मनों की नजर से अपने अड्डों को बचाने के लिए किया है। जी हाँ, इसके अलावा हमास ने जानबूझकर सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ठिकाने बनाए हुए, ये डेलिब्रेटली कदम उठाया गया और हमास ने ऐसा दुश्मनों की नज़र से अपने अड्डों को बचाने के लिए किया है ताकि उनकी नज़र नहीं यहाँ पर आ सके। खासतौर से हमास स्कूलों और अस्पतालों से बखूबी ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल, और देखिए गाजा के शुजाया स्थित स्कूल में भी आईडीएफ को सुरंग मिले हैं। पहले कुछ अस्पतालों में भी हमास के अड्डे और सुरंग मिले थे जिस पर हमला किया गया था आईडीएफ के द्वारा। यहाँ कुछ मामलों में दबाव बनाने के लिए भी आईडीएफ के इन जगहों पर अटैक किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा पैमाना है कि सुरंगों में जाकर टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। बिल्कुल पांडे सर, ये सिचुएशन रुक नहीं रही है, मतलब कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक शील्ड की तरह अभी भी हमास इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जो सीज फायर का यूएनएससी में लाया गया उसका कारण क्या दिया है? अमेरिका ने ये कहा कि अगर हम सीज फायर कर देते हैं, इमीडिएट सीज फायर के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होगा, क्योंकि हमास ने जब पॉज हुआ था ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए तब भी अपने हमले छुटपुट इलाकों में जारी रखे थे और इसराइल शांत था, उस पर प्रतिक्रिया सीधे नहीं कर रहा था क्योंकि उसको अपने हॉस्टल छोड़ रहे थे। अभी 134 हॉस्टल और हैं तो चाहते हैं कि वो निकल के आएँ, लेकिन इरादे हमास ये बड़े क्लियर हैं कि किसी भी तरह से वो शांति के लिए भी तैयार नहीं है। अमेरिका ने यही कहा है, उनके जो डिप्टी एम्बेसडर हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने यही कारण बताया कि सीज फायर हम विरोध नहीं कर रहे, हम चाहते हैं शांति हो, लेकिन हमास कहाँ चाहता है कि युद्ध न हो, शांति हो, शांति के समर्थक नहीं है क्योंकि हमने जारी रख रहा है। जो स्कूल के बारे में बात की हुई, स्कूल में टनल का जो एक रास्ता था और उसको जब फॉलो किया गया तो वह मस्जिद में निकल रहा था, तो इरादे बड़े क्लियर हमास के, वो हमास ऐसे क्षेत्र में जा रहा है जहाँ पर कोई अटैक नहीं करना चाहेगा समान परिस्थितियों में। इसराइल ने साफ कहा अगर आप नहीं मानेंगे और ऐसी जगह से अटैक करेंगे तो आप तैयार रहिए, सिविलियंस का कोलैटरल डैमेज होगी, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमास को आप रोकिए ताकि वो ऐसी जगह ना छुपे। बिल्कुल।